नमस्कार जी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर सरोज। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम भी अपने घर में लगा रहे हैं तिरंगा। और अच्छा डेकोरेट कर दिया, वैसे सुंदर लग रहा है। सुबह हम आएंगे फिर आपको दिखाएंगे क्या चलेगा यहाँ पे प्रोग्राम। वो अभी हम निकले हैं इवनिंग नहीं नाइट वॉक पे खाना खा के, खाना खाने के बाद पीछे आ जा कोमल प्लीज। तीनों माँ बेटियाँ हम इधर आ जाए, तुम दिख रही है काले दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी सोसाइटी के गेट को भी अच्छे से सजा दिया गया। ये दोनों थक गए, इवनिंग वॉक करके चार कदम चले। इवनिंग वॉक आपने बोला, बैठ गया नाइट वॉक। तो ना हर जगह जो है बहुत ही अच्छे से सजावट की गई थी सोसाइटी में। मैं अभी आपको जो है बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो ये है सेकेंड डे मॉर्निंग का, यानी कि 15 अगस्त का। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे आपको अगर कुछ भी समझ ना आए ना कि क्या बनाना है और क्या करना है, तो आप बस स्पेशली जो है प्याज के पराठे बना लीजिए। बहुत ही टेस्टी और यम्मी खाने में लगते हैं ये, और जो बच्चों के स्कूल टिफ़िन के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है। तो कई बार मैं जो है इस तरीके के प्याज के पराठे बच्चों को बना देती हूँ। तो आज तो लेकिन छुट्टी है, तो बस आज जो है हमने सोचा छुट्टी वाले दिन ही प्याज के पराठे बना लिए जाएं। और बस जी फिर यहाँ ये मैंने जो है डबल करके बनाए हैं, और बड़े बड़े मैंने पराठे बनाए थे। तो भाई आज का ये है हमारा यम्मी सा ब्रेकफास्ट, प्याज के पराठे। और किसी को अचार के साथ खाने होते हैं, किसी को दही के साथ खाने होते हैं, और किसी को मलाई के साथ खाने हैं। तो सब अपनी अपनी चॉइस से फिर यहाँ पे खा लेंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, और अब हम लोग भी रेडी हो रहे हैं क्योंकि आज है फंक्शन यहाँ पे 15 अगस्त का। क्योंकि देखिए हर जगह जो है तिरंगे लहराए जाएंगे, घर घर में आज जो है तिरंगे लहराए जा रहे हैं। तो आप सब लोगों को मेरे परिवार की तरफ से जो है, मेरी तरफ से जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन ना हमारे लिए जो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज के दिन ही हमारे डैडी जी जो है कैप्टन बने थे, और जो उसका जो है धर्मपुर में भी आज जो है इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम रखा गया है। मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी क्योंकि वो मेरे साथ डैडी जी ने शेयर किया है, और डैडी जी की आज की जो टुडे लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और यहाँ का फंक्शन तो ऑफिशियली आपके साथ शेयर होगा ही होगा। तो चलिए अभी जो है मैं रेडी हो जाती हूँ, और बच्चे भी रेडी हो रहे हैं, और फिर मिलती हूँ आपके साथ जो है वहाँ फंक्शन के पास। Yeah.
तो ये तो आपने देख लिया धर्मपुर का प्रोग्राम, और अभी हम जा रहे हैं अपनी सोसाइटी के फंक्शन में। तो यहाँ पे देखिए कितना जो है लोग इकट्ठे हो गए हैं। अरे दो यहाँ पे दूसरा और बाहर आ गया। मेरी वीडियो बनाई मैंने देखा कि अभी एक छोटी सी नाटिका यहाँ पर बच्चों ने प्रस्तुत की, एक छोटी सी बच्ची सवाल है बवाल है बवाल, आज प्लास्टिक बड़ा सवाल है। देश को बचाना है, प्लास्टिक को हटाना है। देश को बचाना है, प्लास्टिक को हटाना है। बल्कि कपड़े का बैग इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। शोर मत बजाना चाहिए। पॉलिथीन बैग इतने हानिकारक होते हैं कि बारिश का पानी धरती में जाना चाहिए तो यह हमें जाने नहीं देता। क्या यूट्यूब के लिए जब मुंशी पार्टी वाले कूड़ा उठाने आते होंगे तो उससे पहले जानवर ही उसे खा जाते होंगे, तो फिर इसे जला देते हैं। हाँ हाँ इसे जला देते हैं। हाँ हाँ इसे जला देते हैं। जलाने मैं राक्षस हूँ, मैं तुम सबका भक्षक हूँ, मैं प्लास्टिक हूँ। अगर तुम सब ने मुझे जलाने की कोशिश की तो मैं वायु प्रदूषित करूँगा। अगर तुम सब ने मुझे गाड़ने की कोशिश की तो मैं जमीन बंजर बनाऊंगा। अगर तुम सब ने मुझे गटर में डालने की कोशिश की तो मैं गटर को चौकअप करूंगा और बारिश के मौसम में बाढ़ लाऊंगा, लेकिन मैं हर रूप में अमर रहूंगा। देश को बचाना है, प्लास्टिक को हटाना है। देश को बचाना है, प्लास्टिक को हटाना है। ये सोच सयानी पर्यावरण स्वच्छ रहे, ये दिल में बिठाए, कागज की थैली को अपना दोस्त बनाए, सब्जी की थैली के अपने घर पर लाए, ऐसे सबके दिल में अपनी जगह बनाए। हम सब मिलकर कसम खाते हैं कि हम आज से प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे।
तो डियर फ्रेंड्स, ये जो था प्लास्टिक के ऊपर बच्चों ने नुक्कड़ नाटक जो है प्रस्तुत किया था, मुझे लगा आप लोगों के साथ जो है ये ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो जो बातें बच्चों ने कही है वो जो है 100% सही है प्लास्टिक के बारे में। तो उसके बाद जो है खाने का जो है प्रोग्राम भी सोसाइटी वालों ने किया था, तो यहाँ पे जो है हम भी लेके आ गए हैं और आपके साथ भी वो लोग चीज़ शेयर कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप एक बार फिर से आप सब लोगों को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी जो है इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग भी मैं यहीं पे कर दूंगी। आई होप आपको जो है मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, बेल को कीजिएगा ऑल पे सिलेक्ट, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आपको जो है मेरा चैनल सर्च न करना पड़े। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर